Hello friends, how are you? So hope you all will be fine. Today we will discuss about if you break somewhere, I mean your confidence gets break, you are getting break somewhere and aap completely toot jate hain, to kya karna chahiye? What has to do, what has not to do? So without delay, let's discuss. And before it, I will request everyone, viewers, kindly share, subscribe and like. So without delay, let's start. कभी-कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जब हमारी हिम्मत टूटने लगता है, बाहर से कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है, किसी की बातें काम नहीं आती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, बस एक जगह पे पड़े होते हैं और टाइम पास कर रहे हैं। अपने गोल की तरफ आपने बड़ा एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, अपना सब कुछ लगा दिया उसमें, लेकिन रिजल्ट उसका बिल्कुल अपोजिट आया जैसा आपने सोचा। होता है ऐसा, कई बार आती है लाइफ में सिचुएशन आती है ना, ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ही खत्म हो गया, अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगता है, तो उस वक्त क्या करना, मतलब कि उस वक्त खुद को मोटिवेट कैसे करें? सर आपके वीडियोस देखती हूँ। अच्छा, तो सारे करते हैं यहाँ पर आए, तो मेरे जब वीडियोस देखते हो तो काम करता है वो? रिलेटेबल होता है, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, इवन यू आर अ लाइफ गिविंग पर्सन। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे, और तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो भी अगर काम नहीं किए, मेरे वीडियोस भी काम नहीं किए, अपनी तारीफ करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, किसी के वीडियोस देख रहे हो, वो भी काम नहीं कर रहे, अब क्या करें? जैसे मेरा दो बार सर एंट्रेंस मेडिकल का था, सर वो क्लियर नहीं हुआ था सर, उसमें मतलब पेरेंट्स का सर मनी भी लगा था उसमें, और टाइम भी लगा था उस समय, प्लान्स भी बहुत सारे थे स्कीम, मतलब कि मतलब फर्स्ट ईयर में अगर मतलब क्लियर हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। फिर बात ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे, कितनों के साथ हुआ है ऐसा कुछ? यस सर, फिर बाद में मैंने क्या किया कि पहले तो बूस्ट करने के लिए सर आपका मोटिवेशन वीडियो देखा सर, तो फिर वो काम नहीं किया? नहीं सर, वो टाइम। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस व्हेन यू गेट ब्रेक, तो उस समय क्या करना चाहिए? तो इसका सिंपल सा सलूशन है कि आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो। हाँ, प्रॉब्लम होगी, यू विल बी गेटिंग फ्लरी ऑफ थॉट्स इन योर माइंड, कॉन्स्टेंटली आते जाएंगे, कोई उसका जो है इतने थॉट्स आएंगे कि उसको आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। सो ऑल्दो व्हाट हैज़ टू डू, यू हैव टू कंट्रोल योर फ्लरी ऑफ थॉट्स। तो कैसे कंट्रोल करना है, उसका तरीका भी सिंपल है कि आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपके साथ जो हुआ है पॉजिटिव वे से लेना, ट्राई टू टेक इट एज ए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेके आपने सीखा क्या और क्या करना है, मतलब आपने जो है नेवर गिव अप का रखना है कि मैंने गिव अप नहीं करना है, बेशक जैसा भी है वो कुछ कुछ ना कुछ जो है वो नोबडी इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई कमी आपके अंदर रही होगी या फिर आपने जो है आपको उसका अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो या फिर कुछ और रीज़न हो सकते हैं, तो नोबडी इज़ परफेक्ट, बट ट्राइंग इज़ द बेस्ट वे, सो यू हैव टू ट्राई, नेवर गिव अप। सो लेट्स सी अहेड। टेम्प्रेरी बेस पे काम, टेम्प्रेरी बेसिस पे किया, मतलब रेगुलर काम नहीं करता, मतलब अगर मेरा दिल रख लिया नहीं, मुझे लग रहा था काम नहीं किया, मतलब देखा है क्या लगा ऐसा, मतलब मैं इमेजिन कर रहा था। हाँ ठीक है, बाद में मतलब मैंने ये किया कि मतलब अकेले बैठ के प्लान किया फिर से कि मतलब कि ये मेरी मतलब कमियाँ थी, ये मेरी मतलब कि अच्छा है, मतलब इन टॉपिक्स में मैं अच्छा हूँ, इन टॉपिक्स में बेकार हूँ, तो फिर मुझे यहाँ से हेल्प लेनी है, मतलब पूरा एक तरह से मैंने प्लान किया सब कुछ। लिख करके किया है वैसे ही दिमाग में? नहीं सर, लिख करके किया प्रॉपर, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेसेस हैं। क्या इसके अलावा एक और काम भी हमने किया, क्योंकि अगर वो भी करें तो और बेटर हो सकता है, दैट इज़ कि जब मैंने वो तैयारी करी और मेरा नहीं हुआ तो उसमें मैंने क्या गलतियाँ करी? एक तो है आपकी वीकनेसेस जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, एक है गलतियाँ, मे बी कि हमने मोबाइल पर बहुत ज़्यादा टाइम पास किया नहीं, हाँ क्योंकि हम सच औरों को नहीं बोल सकते ना, खुद को तो बोल सकते हैं ना, घर वालों को बोला तो बड़े जूते पड़े कि बेटे यही टाइम पास ही करना था, सुट्टा ही मारना था, मतलब आपके लिए नहीं, वैसे तो मेरे पैसे क्यों लगवाए, है ना? तो क्या ऐसा भी हम करते हैं लिख करके? कितने लोग एक्चुअल में करते हैं? बहुत कम, दो तीन लोग सर, वो भी सर टेम्प्रेरी, वो भी हम सीरियसली नहीं करते, समझ गए? दो चीज़ें यहाँ पे करनी ज़रूरी है, एक तो ये पहले समझो क्या आपकी वीकनेसेस थी, और अगली बार अगर आप दोबारा से अटेम्प्ट करने वाले हो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। So the funda is clear. First of all, whatever the weakness you have to constantly work upon them.
यू हैव टू कॉन्स्टेंटली जो है उसकी वीकनेस को आपने उसके ऊपर काम करना है. तो मान लो कि इफ देर इज़ ए वीकनेस इन यू दैट बिकॉज ऑफ दैट वीकनेस यू आर गेटिंग पीछे रह रहे हो कहीं ना कहीं, तो क्या करना है कि उसके ऊपर काम करना है आपने, तो उसको लिख लेना है, राइट इट एंड कंटिन्यूसली वर्क ऑन इट, डेफिनेटली यू गेटिंग हैविंग रिजल्ट्स. लेट्स सी. और अपने आप से ये भी सच बोलो कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, कहीं मैं दोबारा अपना टाइम तो नहीं खराब करने वाला. कुछ ऐसी भी वीकनेसेस होती हैं किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और आपकी आवाज़ ऐसी है कि जो भी सुनता है कान से खून निकलने लग जाता है. तो आप कह रहे हो कि यार मेरी वीकनेस है, मैं स्ट्रेंथ बना दूंगा. ठीक है, अच्छा है, ऑप्टिमिज्म अच्छा है, बट एक हद होती है ना, मतलब. तो इस तरह से अपने आप से सच बोलना होता है कि मेरी वो वीकनेसेस है, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देयर इज अ प्राइस टू पे. एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा. क्या वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्या वो मैं कर सकता हूँ? इफ यू से यस तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इफ यू से नो तो बात वहीं पे खत्म हो. अब कुछ और सोचो. नंबर वन. नंबर टू, उस वक्त मैंने क्या गलतियां करी? क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ सोच समझ के करते हो. तो वो नहीं हुआ, दैट मीन्स आपको लग रहा था कि मैं कर लूंगा लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब पक्का है कि हमने बहुत सारी गलतियां करी, उसको भी लिख लो. तो इससे क्या हो रहा है, हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड थे, अब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है कि नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा, पैसा चला गया, ये हो गया, ये सब क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच. आप क्या बन गए, अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड. इसके बेस पे आपको एक बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाएगा कि आप दोबारा अटेम्प्ट करना है. सो वन इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग एंड वन इज नॉन जो है ओरिएंटेड, नॉन प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग. तो दोनों में फ़र्क क्या है कि एक तो आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑन द सेम प्रॉब्लम, दिस इज़ द वे, यू हैव टू स्टॉप इट. आपको उसको उसी समय रोक देना है, आपको उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपने जो है थिंकिंग रखनी है. तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग क्या होती है, अगर प्रॉब्लम आई है तो उसका हल क्या हो सकता है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, डेफिनेटली यू हैविंग रिजल्ट. लेट्स सी. बाहर ऐसे नहीं कि कुछ दिनों में बाहर आए, इमीडिएटली इंस्टेंटली वहां से बाहर कैसे, मैं वो शीशे में देखता मजाक चला रहे हैं आप. हम जैसे देखते हैं वो वाला देखना नहीं, क्या लग रही है, वो वाला देखने की बात नहीं कर रहा, मतलब देख करके खुद को मोटिवेट करना सीख, वो सबसे पावरफुल मोटिवेशन. क्या क्या ऐसे काम है So, again, the conclusion is be realistic. Realistic means you have to stand in front of mirror and you positivity, think positive and recognize yourself internally, not externally. Jo physical shape hai doesn't go on there. Physical jo bhi hai, theek hai. Internally, you have to hit upon it. So, let's see next. सच बता रहा हूँ, मतलब एट द एज ऑफ 18, 19 इयर्स, 20 इयर्स, किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है. डिपेंड करता है हम क्या ट्रैक पकड़ रहे हैं. ट्रैक गलत पकड़ लिया तो फंसते चले जाते हैं, और ट्रैक सही पकड़ लिया तो कुछ कमाल का हो जाता है. सही मतलब क्या, अपना ध्यान फालतू की चीज़ से हटाओ, मास्टरी पे ले, एक्सपर्टीज पे ले. इसका दूसरा वर्ड हो सकता है एक्सपर्टीज, कि क्या क्या ऐसे काम है जिसमें मैं एक्सपर्टीज को अचीव कर सकता हूँ या कर सकता हूँ. दिस गिव्स यू हेल लॉट ऑफ एनर्जी, कि अब ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है. क्रैक करना ना करना आपके हाथ में कंट्रोल नहीं, कंपटीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे ऑफ पे होंगे, बट क्रैक करने के लिए जिस टॉपिक को मास्टर करना है वो किसके हाथ में, वो आपके हाथ में. वो करने के बाद भी आपका हो या ना हो वो किसके हाथ में, वो आपके हाथ में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो वहां पे कितना पैकेज आपको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, किसके हाथ में, आपके हाथ में. वो कब है आपके हाथ में, जब एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो किसी पर्टिकुलर चीज, तब आपके हाथ में, तब आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा कि हाँ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. नहीं तो नाम के लिए पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे हाँ भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, सर आई एक्सपेक्ट अराउंड 50 लाख रुपीज पर एनम, 5,000 रुपये महीने का मिलेगा, करना है कर. ठीक है सर, जैसे आप कहें. तो इफ यू सेट योर गोल्स करेक्टली,
बेस्ड अपॉन मास्टरी. मास्टरी आप दो तरह की चीजों में अचीव कर सकते हो ना. सो इट इज क्लियर फंडा दैट इफ यू रियली वॉन्ट टू अचीव एनी थिंग इन योर लाइफ बी एक्सपर्ट ऑफ इट. उसके एक्सपर्ट बन जाओ किसी भी चीज़ में. उसको ऐसे ही जो है ब्रूसली से पूछा गया कि आप सबसे ख़तरनाक मूव कौन सी है. तो ब्रूसली ने आंसर दिया कि जो बंदा एक मूव को 15,000 बार प्रैक्टिस कर ले वो मेरे लिए सबसे ख़तरनाक है. तो एक मूव को अपनी अपनी जो है एक्सपर्ट जिसमें चीज़ में भी आप जाना चाहते हैं एक्सपर्टाइज हो उसमें पर्टिकुलर में इतनी ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाओ कि दूसरे को लगे कि वाकई कुछ है आपके अंदर. और मान लो कि आप प्लेसमेंट के लिए भी जा रहे हो तो आपको ओरिजिनली वो दिल से पूछें कि क्या एक्सपेक्ट करते हो. तो बाहर से पूछा तो यू विल बी नॉक आउट. लेट्स सी अहेड. ऑफिस में घर पे वो सहने की ताकत आ जाए. देयर इज समथिंग टू लुक अप टू. वेट होता है हमें कि सुबह के 6 बजे और हम सब साथ में आए और खेले कि 1 घंटा मुझे सब कुछ भुला दो. पावरफुल है स्टेटमेंट या नहीं कि ऐसे हम कभी सोचते हैं. एक ऐसा एंट्रेंस जो आप क्रैक करना चाहते हो उसके लिए जो पढ़ाई करनी है वो आपको करनी पसंद नहीं है तो वो क्या है? टॉर्चर नहीं. टॉर्चर है ना तो टॉर्चर को सहने की मोटिवेशन कहां से आई? क्या ऐसा कर रहे हैं? बैडमिंटन से नहीं, मतलब कहीं से. ये नहीं सारे बैडमिंटन खेलते हैं. कुछ भी, व्हाटएवर इट इज, दैट कुड बी फुटबॉल, दैट कुड बी क्रिकेट, दैट कुड बी एनीथिंग, व्हाटएवर यू लाइक टू बी, व्हाटएवर योर इंटरेस्ट आर, व्हाटएवर योर पैशंस आर, आपके प्रोफेशन से कनेक्शन है या नहीं, उसमें गोल बना दो मास्टरी. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन इट, एज बेस्ट एज आई कैन, नॉट इन कंपेरिजन टू समथिंग. सो फाइनली the conclusion is whatever you do be perfect of it, definitely the success will be near you and the achievement is like whatever the goals you have settled you will be getting to achieve it, but you have to work continuously upon it and might be possible ki iske upar jo hai thoda kaam karne mein time lage, 1 year 2 year 3 year, but never give up and constantly work upon it, definitely you will be getting the particular skill in you. kya usko har cheez mein attitude nahi aane lag gaya? fir ab aap apne aap ko sheeshe mein dekh kar ke bol sakte ho, I am going to be the master of this particular game. dekhta hu kaun major ho. I am going to be the master of this particular game. then you can extend it further by saying I am going to be the master of the game of life. who is the master of life? lagao thoda sa dimag. usne apni life ki sari problems ko ladki जिसने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भी पावर विद अंडरस्टैंडिंग विद पेशेंस आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. तो आप कह सकते हो माइंड को समझ लेना मतलब माइंड को कंट्रोल करना. सो द बिगेस्ट थिंग इज पेशेंस. इफ यू डोंट हैव अ पेशेंस, इफ यू कैंट वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ इट, डेफिनेटली इट विल लीड यू द कंसिक्वेंसेस. तो पेशेंस मैंने देखा है कि बहुत ही कम पेशेंस होती है, चाहे वो निचले स्तर से बात करें स्टूडेंट्स को लेके या ऊपर के मैनेजमेंट तक, या भाई आप मैनेजर भी बन जाए. तो टॉलरेंस जो है, एक टॉलरेंस पॉजिटिव टॉलरेंस को जो आपको समझना चाहिए कि उसको हर चीज़ को टाइम लगता है. इफ़ यू हैव स्टार्टेड टुडे डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली यू विल लर्निंग. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप कर नहीं सकते. दैट्स इट. माइंड को कंट्रोल करने की शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यान से समझना. समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट, अगर उसमें आप मास्टरी को अचीव कर लो तो क्या माइंड के एक एस्पेक्ट को आपने कंट्रोल किया है? नहीं. माइंड को कॉन्कर करने की शुरुआत यहीं से होती. माइंड कंट्रोल का मतलब क्या? जिसने अपनी माइंड को कंट्रोल कर लिया है उसने लाइफ को मास्टर कर लिया. मतलब क्या? माइंड को समझ लिया है. क्या माइंड को समझते हैं? और माइंड को समझने का मतलब क्या? थिंक, अगर आप डेप्थ में जा रहे हो, जिस भी कैरेक्टर को आप प्ले करने वाले हो उसकी आप पूरी डेप्थ में चले जाओ, ये अच्छा है बुरा है? ये उस कैरेक्टर को आप समझो ही नहीं. किसी का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, वो कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और कर रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, कॉमेडी नहीं लगेगा वो देखकर. लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ में चले, अभी डेप्थ में जाने की आदत कहाँ से पड़ती है? ये कीड़ा कहाँ से हमारे अंदर आता है? देखो, दो तरह के काम है दुनिया, एक वो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, दूसरा वो जिसमें कोई इंटरेस्ट है. तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? इंटरेस्ट है, क्या ऐसा करते हो? वो तो काम आप करते ही नहीं क्योंकि वहाँ से तो पैसा ही नहीं आता है. उस काम को करवाने में ना घर वालों का इंटरेस्ट है. काम क्या करवाना है? जहाँ से पैसा आए. तो क्या काम है? इस एंट्रेंस की तैयारी है, ये है, वो है, पढ़ाई. सो फाइनली दैट
You will have to work upon the skill, which is very important. Sharpen till the end.